बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज की चिकन मंचूरियन की ग्रेवी। तो उसकी हमने चिकन ली है इस साइज़ की, क्यूब कटिंग में हमने इनको काट ली है। तो अभी हम इनको मसाला लगा के डीप फ्राई करेंगे। अभी हम मैरिनेशन करेंगे, उसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, चिकन मंचूरियन को हमने मैरिनेट कर दिए, इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करके तो फिर इसको हम पकाएंगे। ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम पकाने के लिए जाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा डाला ऑयल और इसमें जाएगा चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्च, साथ में जाएगा लहसुन सोते किया हुआ, सोते करेंगे हम इसको अब, और साथ में एक चम्मच रेड चिली। अब चिकन डाल दें, चिकन हमारा अभी भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मुर्गी की यखनी। ये तकरीबन दो बॉल है यखनी। टेस्ट के लिए जाएगी आधा चम्मच बड़े वाला चीनी, आधा चम्मच नमक का और तकरीबन बड़े वाला आधा चम्मच सिरके का। चम्मच का चौथाई हिस्सा चिकन पाउडर। अभी इसको हम 5 मिनट तक जो है ना वो पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे केचप। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते पकते। अब हम इसमें शामिल करेंगे केचप, तकरीबन ये बड़े वाले 3 चम्मच। मुर्गी तकरीबन हमने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही हमने दी। इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि केचप और यखनी जो है ना वो एक जान हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लोर का टच करेंगे। अब तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, हम इसको कॉर्नफ्लोर का टच करेंगे गाढ़ा करने के लिए। ये बेहतरीन हमारा चिकन मंचूरियन ग्रेवी चावलों के साथ इस्तेमाल होती है। तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाली वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद हम इसको लगाएंगे एक लेमन का टच। जी, अब लेमन लगाएंगे। मंचूरियन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है।